अब श्री राधा कृष्ण हैं कैसे? ले राधा कृष्ण नित्य कंदर्प तृष्ण, ये राधा कृष्ण जो वृंदावन के हैं ये नित्य कंदर्प तृष्ण हैं। कल हमने इस विषय की चर्चा की थी कि कंदर्प शब्द सुनकर, अनंग शब्द सुनकर, काम शब्द सुनकर घबराना नहीं, कि भगवान की विहार की लीला में इस कंदर्प का क्या काम। जब श्री धाम दिव्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, रसमय है, चिन्मय है, आनंदमय है, प्रकृति जगत की कोई वस्तु ही जब यहां नहीं है, सब दिव्य अप्राकृत चिन्मय है, तो इस वृंदावन का काम प्राकृत कैसे हो सकता है? वृंदावन का कंदर्प कैसे प्राकृत हो सकता है? वृंदावन की रति प्राकृत कैसे हो सकती है? संभव ही नहीं है। इसलिए युगल प्रिया लाल भी निरंतर कंदर्प तृष्ण रहते हैं, और इस माने प्रिया जी को लाल जी से मिलन की उत्कट अभिलाषा निरंतर बनी रहती है, और लाल जी को प्रिया जी से मिलने की निरंतर उत्कट अभिलाषा बनी रहती नहीं, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। तो क्या मिलन नहीं होता है? मिलन तो होता है, लेकिन प्रेम की ऐसी अनुपम अवस्था है कि मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, तुव मुख चंद चकोर ये नैना, मिले ही रहत, निरंतर मिले रहते हैं। लेकिन मिले रहने के बाद भी मिले रहत मानो कबहू मिले ना। कैसी प्रीति है बाबा? युगल का प्रेम कैसा है? आहा, जयदेव महाप्रभु जी का एक श्लोक स्मरण में आ रहा है, गीत गोविंद का। वे कहते हैं, हृदि विलसितारो नायम भुजंग मनायका, कुवलय दल श्रेणी कंठे न सागर लद्युति, मलयज रजो नेदम भस्म प्रिया रहिते मई, प्रहरण हर भ्रांत्या नंग क्रुधा की मुधावसी। निकुंज में प्रिया जी के दर्शन की व्याकुलता में रसिक शेखर, रसिक चक्र चूड़ामणि श्री कृष्ण विराजमान है। एक एक क्षण युगों के जैसा बीत रहा है, युगायितम निमेषेण, यह स्थिति हो रही है। दर्शन की मिलन की व्याकुलता बढ़ती चली जा रही है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे काम, अरे कंदर्प, तेरी शंकर जी से पुरानी दुश्मनी है,